या सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. और अनअकैडमी के सबसे बेस्ट एजुकेशन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो जैसे कि हम काफी दिनों से, यानी कि ऑलमोस्ट 15 डेज ऑलरेडी पास जबे कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में, क्योंकि एनटीए के नोटिफिकेशन का हमें पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कब तक नहीं आएगा. इसलिए हमने कोशिश की है कि हम कम टाइम, एटलीस्ट मैक्सिमाइज लर्निंग के ऊपर फोकस करें. और इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स का जो बेसिक आइडिया यही है कि हम एटलीस्ट 50 डेज में कोशिश करें. मोर ओवर, हेलो सुल्तान, वेरी गुड मॉर्निंग. तो कोशिश करें कि मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें, और इस टॉपिक्स को जब हम कवर करें तो एटलीस्ट हमारा जो फोकस हो वो लर्निंग के से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ों के ऊपर काम करें, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर हम कम बात कर रहे हैं. और कोशिश की जा रही है कि जैसा कि एनटीए का परसेप्शन चल रहा है कि पेपर जल्दी करवाया ही जाएगा और 15 डेज पहले नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स लॉन्च किया है. और इस कोर्स का सबसे एक बेसिक और एक खास बात यह है कि जितना ज़्यादा आप इस कोर्स के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, आप डीप एनालिसिस या डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक दिन में अगर हम बेसिक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इजीएस्ट वे में, तो आप मैक्सिमम टाइम में, सॉरी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे. तो ये हमारा क्रैश कोर्स को लॉन्च करने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट और पर्सपेक्टिव रहा है, क्योंकि जब तक आप एक बेहतर तरीके से प्लान करके चीज़ों को आगे नहीं बढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो पाएगा एनटीए के पेपर को क्वालिफाई करना. और क्रैश कोर्स काफ़ी हद तक आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज कर रही है. तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पे आप कोशिश करें क्रैश कोर्स को एटलीस्ट अटेंड करने का, और कोई भी टॉपिक मिस ना हो. और उसके लिए आप, इससे पहले हम ऑलमोस्ट 11-12 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सोनिया सिंह के नाम से अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे सर्च करके, तो वहां से आप देख सकते हैं. और उससे ज्यादा एक खास बात मैं ये बताना चाहूंगी कि हर दूसरे दिन स्पेशल क्लास हम लेते हैं अनअकैडमी के ऐप पे, तो वहां पर भी आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं वाइल्ड अटेम्प्टिंग योर ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो ऑलरेडी हम मोर ओवर 60 क्वेश्चंस डन कर चुके हैं अपने स्पेशल क्लास में, तो वहां पे आएं और देखें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी एनहांस हुई है. क्योंकि दिन में हमारा काम बेसिकली यही रहता है कि जो 11 बजे और 4 बजे वाली क्लास होती है उसमें हम कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो स्पेशल क्लास होती है उस पर हमारा फोकस रहता है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, ताकि कंटेंट और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों आपके टाइम टू टाइम कवर होते रहें. और इसको और कवरेज और बेहतर बनाने के लिए एनटीए का जो सबसे यूजीसी नेट का जो पेपर है उसको अनअकैडमी काफी फोकस्ड वे में लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करवा रहे हैं. तो ये काफी खास बात है, क्योंकि आपको कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ कम पैसे में एक क्वालिफाइड जो एजुकेटर्स हैं वो आपको बेहतर डील कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए काफी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको बस सब्सक्रिप्शन पैक लेना है अनअकैडमी का, और अपने काफी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंटेंट आपके सामने होगा जो काफी कम प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलता है. परफेक्शन के साथ हम काम करते हैं, और हर वेंसडे को कोशिश होती है कि लर्नर्स के परस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए न्यू बैचेस को लॉन्च करता है. और बैचेस को लॉन्च करने का परस्पेक्टिव यही रहता है कि हम जो लर्नर्स हैं उनके ओपिनियंस को ध्यान में रखें, उनके क्वालिटी कंटेंट को ध्यान में रखें. तो कोशिश करें अनअकैडमी के साथ जुड़ने की, और जुड़ने के बाद उसकी परफेक्शन को देखने की, जो कि काफी हद तक आप क्वालिटी में आपको नजर भी आएगी. SRS10 मेरा कोड है, इसको जरूर लीजिए और अपने सक्सेस को काफी हद तक इंश्योर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो कोई सा भी कोर्स अगर परचेज करते हैं स्पेशली NTUGC नेट का, तो उसमें SRS10 का कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं. नाउ SRS10 अगेन मेरा कोड है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अपनी क्वेरीज को उस चैनल में आप पुटन डाउन करें, और इजीली आप हर एक क्वेरीज का जो भी पॉसिबल आउटकम होगा उसको देने की कोशिश की जाएगी. जितने भी PDFs हैं क्लास के बाद इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब. मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और कोशिश करें उन लोगों तक पहुँचाने के लिए जिनको इसकी नीड है, क्योंकि अनअकैडमी का काम क्वालिटी कंटेंट से ज्यादा अप्रोच के ऊपर काम करना है, जो कि कोशिश करता है मैक्सिमम लोगों को पहुंचाने का. नाउ Paper 1 और Paper 2 की बात करें, तो हम सभी को पता है कि एनटीए का जो पेपर अप्रोच है, Paper 1 Paper 2 दो तरह का पेपर आता है. Paper 1 में कंसिडर होते हैं 50 क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स, एंड Paper 2 कंसिडरिंग 100 क्वेश्चंस विद 200 मार्क्स. फाइन, तो ये 300 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है. तो इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अनअकैडमी ने मोर ओवर 21 सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है. और संस्कृत की बात करें, लॉ, साइकोलॉजी, पंजाबी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जो मैं खुद पढ़ा रही हूँ यहाँ पे,
तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे कोर्सेज जो ऑफलाइन बैचेस में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, अनअकैडमी ने लर्निंग प्लेटफॉर्म जो एक वास्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में उसको प्रोवाइड किया है और कोशिश की है कि उन स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुंचे जो कि क्वालिटी कंटेंट से मार खाते हैं या फिर कम टाइम में कोशिश करते हैं एक्सेस पढ़ने की। तो ये अनअकैडमी की खास बात है, उसको आप देखें और एनरोल करें खुद को। आइकॉनिक और प्लस की बात कर लेते हैं, तो आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है क्योंकि एनटीए का जो पेपर लेने का तरीका है काफी वास्ट है, काफी एक्सटेंडेड है। ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कॉलर बनने के बाद अपनी स्टडी को बाउंड कर देंगे, बल्कि वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी पर्सनल गाइडेंस की, जो कि आपको ये बताएगा कि कैसे आपको पर्सनालिटी को एनहांस करना है, किस चीज की अवेयरनेस की जरूरत है, या फिर किस चीजों को आप इनपुट करके अपनी गाइडलाइंस को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी क्वालिटी कंटेंट को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो उसमें पर्सनल गाइडेंस काफी हद तक हेल्प करता है और उसके लिए टेस्ट एनालिसिस आपके सामने होगी, पर्सनली आपको बताया जाएगा कि आपके टेस्ट एनालिसिस में कहाँ पे लू फॉल्स हैं, आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो काफी हद तक अच्छी बातें हैं। प्लस के बारे में हम सभी जानते हैं, लाइव सेशंस जैसे कि हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई टेस्ट है जो कि हम स्पेशल क्लास में कर रहे हैं तो वहां पे आप देख भी सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कोर्स की बात करें तो किसी भी एस्पिरेंट के लिए स्ट्रक्चर कोर्स का होना काफी खास बात और इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लीजिए, अगर आपका प्लान वेल परफॉर्मिंग नहीं है और अगर आप बेवजह रेस में दौड़ रहे हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करना काफी हद तक इम्पॉसिबल सा लगता है। बट अनअकैडमी का स्ट्रक्चर कोर्स काफी हद तक आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप स्ट्रक्चरिंग के साथ प्लान कर सकते हैं अपने डे को, अपने अपने क्विज को, अपने टेस्ट को, क्लासेस को। तो प्लानिंग आपके हाथ में रहेगी, स्ट्रक्चर कोर्सेस देना हमारा काम है। जैसे कि हमने ऑलरेडी 50 टॉपिक्स का जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है उसमें कोशिश है कि हम मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट आपको स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकें। अनलिमिटेड एक्सेस चल रहा है, यानी कि आप जितना चाहें उतना उसका यूज कर सकते हैं एनटीयू जैसे नेट में। अगर आपको लगता है कि कोई टीचर अगर आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा है तो आप जाहिर सी बात है किसी और टीचर का भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है, स्टडी प्लानर आपके पास है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है आपके पास। तो ये जो मैक्सिमम चीजें इसकी खास बात है। प्लस से मैंने बताया इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर का प्लेटफॉर्म है, इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। लाइव टेस्ट है, क्विजेज हैं, पीडीएफ आपको दी जा रही है। और आइकॉनिक की खास बात मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पर्सनल कोच है, यहाँ पे पर्सनल डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, एसओपीज डिसर्टेशन की अगर सिनॉप्सिस की बात करें तो वहां तक भी आपको गाइड किया जाएगा कि अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको किस किस चीजों का फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, और ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए आइकॉनिक काफी हद तक आपकी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। नाउ प्लस और आइकॉनिक के शिफ्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि 833 का जो कोर्स है प्लस में आपको 833 में पढ़ रहा है, बट SRS 10 का कोड लेने के बाद जो मेरा खुद का कोड है वहां पे आप देखेंगे कि कोर्सेज काफी हद तक आपके मनी पॉकेट पे बोझ नहीं डालेंगे। और 750 का जो अमाउंट है इट्स सीरियसली नॉट अ बिग डील फॉर एस्पिरेंट्स जो अपने करियर को बेहतर परफॉर्मिंग वे में देखते हैं। तो कभी भी प्राइज मनी को या अपने ऑब्स्टेकल्स को अपने जर्नी में कभी भी प्रॉब्लम्स ना बनने दें और देखें कि कहाँ तक आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इस कोड को जरूर अप्लाई कीजिए और देखेंगे कि 6 महीने पहले जो आपका परफॉर्मेंस था SRS 10 का कोड लेने के बाद परफॉर्मेंस काफी हद तक इम्प्रूव नजर आएगा आपको। नाउ आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में यहाँ पे है प्लस के साथ साथ आपको दो चीजें दी जा रही हैं। एक तो प्लस का कोर्स आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, लाइव सेशंस हैं, पीडीएफ्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बट आइकॉनिक की सबसे खास बात ये है कि आइकॉनिक में आपको मेंटरिंग जो दी जा रही है, हम और मैं खुद पर्सनली आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको चीजों को प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, प्लानिंग क्या होगी, टेस्ट सीरीज क्या होंगे। तो जब आप पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हैं तो आपकी जर्नी काफी हद तक स्मूथ हो जाती है। और 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का एक कोर्स अवेलेबल है, तो कोशिश करें उसको लेने का और अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखें आइकॉनिक में और प्लस में भी। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए काफी अच्छी बात है और SRS 10 का कोड हमेशा आपके साथ है, कभी भी आप उसका यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। और सक्सेस की बात रही तो इंश्योरिटी काफी हद तक बन जाती है कि जिस तरह की जर्नी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें इंश्योरिटी बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है। तो SRS 10 का जो कोड है वो आपकी इंश्योरिटी को फाइनलाइज कर रहा है और अच्छा कर रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है इसकी। लाइव टेस्ट सीरीज की बात करें तो स्ट्रक्चर शेड्यूल्स आपके पास हैं और जो प्लस में ऑलरेडी आपको मिल रहा है, आइकॉनिक में काफी हद तक चीजें अवेलेबल हैं आपके पास। तो आप देखेंगे SOPs एंड इंटरव्यूज भी यहाँ पे प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। ये इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर हम टीचर्स अवेलेबल हैं और पेपर 2 में भी आप सेम टीचर से दोनों कोर्सेज पढ़ सकते हैं, तो एक इसकी बेनिफिट करने वाली बातें हैं आपको।
प्राइस हाइक अलर्ट चल रहा था 31 जुलाई तक, तो अगर नहीं भी चल रहा है तब भी इसका सब्सक्रिप्शन पैक लें आप और देखें कि आप अपनी अपनी जर्नी को कहाँ तक बेहतर बना पा रहे हैं। कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्लेम है आप कर सकते हैं। अनअकैडमी की टीम हमेशा एक्टिवली काम करती है चीज़ों के लिए, तो आपकी हेल्प के लिए वो हमेशा आपके ऐप पे, लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द टॉपिक। सी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था राइज ऑफ मगध के बारे में, तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी थी, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। और ध्यान रहे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया, चाहे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और एविडेंसेस की बात हो, देन प्री हिस्ट्री की बात हो, लेटर ऑन वी ऑलरेडी डन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके प्री हिस्ट्री में भी चाहे पैलोलिथिक की बात हो, मीजो की बात हो, नियो की बात हो, चैल्कोलिथिक की बात हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया है, या ब्रॉन्ज एज डिस्कस किया हमने, देन आयरन एज डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया अर्ली वैदिक फेज एंड लेटर वैदिक फेज, ये दोनों चीजें डिस्कस की हैं। मगध सॉरी महाजनपद हमने डिस्कस किया है, जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहा मगध बाद में, तो हम इसी मगध की बात करें कि मगध का जो ओरिजिन था किस तरह से रहा है, और मगध के ओरिजिन की वजह से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट एनहांस होकर बाहर आई हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मैप आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, अगर हम कंबोज और गंधार की बात करें, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हमारा, ये हमारा दिल्ली दोआब वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो गंगा दोआब का एरिया है, दिल्ली दोआब भी कहा जाता है इसे, क्योंकि कुरु है यहाँ पे और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की कैपिटल रही है, और ये आपका गैंगटिक वाला जो रीजन है जो काफी फर्टाइल है, जहाँ से मगध जैसे जन से जनपद का ओरिजन होता है, और कैसे महाजन मगध बाद में जाकर एक बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील हो जाता है, चाहे बिम्बिसार की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, उदयन की बात करें, तो आप देखेंगे कि ये वही महाजनपद है जहाँ से मैक्सिमम जो एक कैपेबल किंग्स निकलते हैं, जो एक बहुत बड़े एम्पायर को स्टेब्लिश करते हैं, और उस स्टेब्लिशमेंट में हम देखेंगे कि आयरन का काफी हद तक रोल रहा है, तो ये इसकी काफी खास बातें रहती हैं। और तो अगर बैकग्राउंड की बात करें कि मगध का क्यों इंपॉर्टेंट रहा और ओरिजिन में किस तरह से चीजें आगे निकल कर बाहर आती हैं, तो दो तीन तरह की खास बातें जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर गैंगेटिक रीजन की बात करें तो काफी फर्टाइल एरिया था, और प्रोबेबली 1000 से लेके 600 बीसी तक की अगर बात करें, या 500 बीसी की भी बात कर लें बीच में, तो यहाँ पे आयरन के ओरिजन की वजह से, एक्सकवेशंस की वजह से, या कहें कि सोर्सेस अवेलेबल होने की वजह से काफी हद तक चीजें इम्प्रूव होती नजर आती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी स्टेट कंट्री में एक आपकी इकोनॉमी और दूसरा आपका डिफेंस काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं, तो जैसे ही मगध के पास आयरन की अवेलेबिलिटी होती है, मौजूदगी होती है, तो काफी हद तक हम देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी एक टाइम पे काफी हद तक बूस्ट करती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, और इकोनॉमी जो है सिर्फ आयरन से स्टार्ट होके एंड नहीं होती है, एक लिमिटेड टाइम पे आयरन आने की वजह से, चाहे हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की बात करें, गैंगेटिक रीजंस को साफ करने की बात करें, वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर हमें एक पीजेंट क्लास जो है हमारे किसान वर्ग है उसको जन्म देता है, और इसी प्रेजेंट वर्क से हमारे पास सिटीज डेवलप होती है, चाहे हम काशी की बात करें, चाहे हम कौशाम्बी की बात करें, जहां पर एक्सेसली कॉटन टेक्सटाइल अवेलेबल रहा, और इन दोनों के बीच में मीडिएटर का जो काम किया, हम मर्चेंट्स की बात करें तो जिन्होंने मीडिएटर का काम किया, और ये वही मर्चेंट्स रहे जिन्होंने बाद में ट्रेड को बहुत हद तक एनहांस किया, एक्सटेंड किया, चाहे सी रूट की बात हो, रोड रूट की बात हो, रीजंस की बात हो, तो काफी हद तक ट्रेडर्स ने इसको प्रमोट भी किया। और इसके अलावा न सिर्फ इंडिया में बल्कि फर्दर कंट्रीज में, मेसोपोटामिया तक की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, या फिर हम बंगाल की बात करें, तो आप देखेंगे कि एक छोटे से मगध में आयरन का डिपॉजिट हाई लेवल होने की वजह से कहाँ तक चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और इकोनॉमी में एक अलग बूस्ट आ रहा है, और जहां तक इकोनॉमी में बूस्ट आ रहा है वहीं पर हम कोशिश करते हैं डिफेंस को भी मजबूत करने की, तो आयरन के आने की वजह से हमने प्रोबेबली कोशिश की कि हम अपने सैनिकों को, आर्मी को, एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर सके, वेपन्स दे सके, और उस वेपन्स को मेंटेन करने के लिए टैक्सेशन ने काफी अच्छा रोल प्ले किया, जो कि हमें ट्रेड से अवेलेबल हो रहा था, और उस वेपनरी को काफी हद तक हाई लेवल पर पहुंचाते हुए आर्मी ने राजा के लिए डिफेंस का रोल प्ले किया, और राजा अपनी सुरक्षा को लेकर काफी हद तक सेटिस्फाई और इंश्योर हो गया, और उसने कोशिश की मैक्सिमम रीजन को ऑक्यूपाइड करने की, कैप्चर्ड करने की, जो कि उसकी काफी खास बात रही। तो ये मगध के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और आगे बढ़ते हैं कि कहाँ तक मगध आने की वजह से, मगध के ओरिजिन की वजह से, और अवंती के एक स्ट्रांग ओपिनियन होने की वजह से मगध और अवंती का काफी हद तक कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहा, और इस कॉन्ट्राडिक्शन में हम बिंबिसार की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, गंधार की बात करें, वज्जी की बात करें, अवंती की बात करें, अंग की बात करें, तो
तो काफी हद तक आप देखेंगे कि एक आयरन के डिपॉजिट की वजह से जो कि साउथ के छोटा नागपुर में अवेलेबल था मगध के पास, तो वज्जी में मल मल को, उसके बाद काशी को, देन कौशाम्बी को, कौशाला को बाद में कैप्चर किया गया, और धीरे धीरे ये वही मगध था जो लिमिटेड था अपने एस्टेब्लिशमेंट तक। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो एस्टेब्लिशमेंट था काफी हद तक हमें बढ़ता नजर आता है, और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेके जो मैक्सिमम एरियाज हैं उसको हमने कैप्चर किया, और कोशिश की कैसा एम्पायर एस्टेब्लिश करने का, क्रिएट करने का, जो कि हमारे एम्पायर को और इंडिया को या हिंदुस्तान को एक अलग तरीके से डिफाइन करता है। एंड कॉजेस के बारे में ऑलरेडी भी डन द थिंग्स कि क्या था बिंबिसार अजात शत्रु या फिर शिशुनाग का क्या क्या रोल था, तो आज हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे हर एक रूलर के बारे में, तो इसकी एक खास बात रहेगी। और ज्योग्राफी है, इसका एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि गंगा या फिर सोन और चंपा की बात करें, जो कि अपने आप में ट्रेडिंग पोर्ट था जहां से ट्रेड हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया से, इसलिए मगध ने कोशिश की चंपा को भी कैप्चर करने का। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से काफी खास रहा, और ज्योग्राफी के एक्सटेंट में कोशिश की गई कि जहां जितना ज्यादा जरूरी हो सके अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया जा सके, ज्योग्राफिकल एंड से भी और इकोनॉमिकल एंड से भी। तो ये मगध की काफी खास बात रही। राजगिरी पाटलिपुत्र उसका कैपिटल रहा, राजगिरी है जो फोर्टिफाइड था ऑलरेडी, और पाटलिपुत्र के पास ऑलरेडी काफी सारे रिवर्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से सी रूट काफी हद तक इजिली हो पा रहा था। इकोनॉमी के बारे में मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया है आपको। शूद्रास की बात करें तो कोशिश की गई कि मगध ने जितने भी बाद में टेरिटरीज को कैप्चर किया, चाहे वो अवंती की बात हो, वज्जी की बात हो, अंग की बात हो, काशी की बात हो, कुशाम्बी हो, मत्स्य हो, तो मगध ने कोशिश की उन सभी टेरिटरीज को कैप्चर करने की, और उन सभी राजाओं को जो कि नॉन आर्यन ट्राइबल से बिलोंग करते थे उनको क्षत्रिय का टाइटल दिया, और उनको कहा गया कि आप कोशिश करें कि जो मैक्सिमाइज्ड पॉपुलेशन है आपकी, यानी कि जो शूद्रास हैं उनको कोशिश किया जाए कि वो एग्रीकल्चर वाले जो यूनिटी है या एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि लेटर वैदिक से लेके जनपद महाजनपद और मगध तक की अगर बात करें, यानी ऑलमोस्ट अगर हम 1500 साल तक की टाइम पीरियड की बात करें, तो उसमें ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियज, एंड उसके बाद वैश्यास एंड शूद्रास, शूद्रास सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल पॉपुलेटेड पीपल थे जिन्होंने कोशिश की एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन करने की, और यही काफी हद तक मददगार रहे राजा की जो इकोनॉमी थी उसको बढ़ाने के लिए भी और उसको एक्सटेंड करने के लिए भी। तो मगध ने काफी एक एक्सटेंडेड पॉलिसी भी अपनाई, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, माइनिंग की बात हो, और जब आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल रहती है तो आप देखेंगे कि आपने कोशिश की है हमेशा कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी हद तक बढ़े, और उस पॉपुलेशन को जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें पॉपुलेशन सॉरी जब हम सोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों को एक्सटेंड करें, और इसको बढ़ाने के लिए हमने पॉपुलेशन को एक अनदर टूल की तरह या कहेंगे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जिसने कि इकोनॉमी को बूम करने में और एग्रीकल्चर को बूम करने में काफी हद तक मदद भी की। तो ये थे, और कॉपर माइंस से वेपन्स थे तो ये काफी हद तक हेल्पफुल रहे मगध के लिए भी। लास्ट लेक्चर में आई ऑलरेडी डन ऑल द थिंग्स, तो जिसको जिसने नहीं देखा है वो जाके देख भी सकता है। कल्चर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब मगध न सिर्फ अवंती के साथ जो कि सेंट्रल इंडिया में था, और उसके बाद उसकी अंग की बात करें, वज्जी की बात करें, काशी है, कौशाम्बी है, प्रयाग की बात करें या फिर कौशाला की बात करें, तो काफी हद तक जब आपके पास टेरिटरीज अवेलेबल रहती हैं और आप कोशिश करते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस को डेवलप करने की, चाहे बिंबिसार ने पहले काशी के साथ किया, बाद में काशी को फिर से दहेज में अजातशत्रु को दिया गया, तो ये चेंज एक्सचेंज वाला जो सिनेरियो कभी भी जब चलता है एक टेरिटरी किसके साथ दूसरी टेरिटरी के साथ, तो कल्चर काफी हद तक इम्प्रूव और एनहांस्ड हो जाता है। तो उस कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और एनहांस करने के लिए हमने मैट्रिमोनियल अलायंसेस को क्रिएट किया, और जब हम कल्चर को शेयर करते हैं तो न सिर्फ कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा वे ऑफ लिविंग, ट्रेडिशन, सब कुछ शेयर होता है। तो मगध ने काफी हद तक खुद को एक्सप्लोर किया न सिर्फ कल्चर तरीके से बल्कि रिलीजियस तरीके से भी, और वही कारण रहा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म हमेशा से एक डिफरेंट एक्सटेंट रहा, और उस डिफरेंट एक्सटेंट के चलते कोशिश की गई कि उस एक्सटेंट में जैनिज्म और बुद्धिज्म को मैक्सिमाइज तरीके से एक्सपैंड किया जाए, फैलाया जाए, और कोशिश की गई कि इस एक्सटेंशन में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो जैनिज्म बुद्धिज्म की तरफ बढ़ी, और इस यही कारण रहा कि हम मगध में बिंबिसार की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, यहाँ पर सेनजीत की बात करें जो कुशाला से थे, तो मैक्सिमम लोगों ने कोशिश की जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो प्रायोरिटीज थी उसको एक्सेप्ट करने की, ताकि मैक्सिमम लोग उनकी तरफ बढ़ें और रिलीजन को एक
की तरह इस्तेमाल किया गया मगध वाले पीरियड में। नाउ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो आई ऑलरेडी डन द महावीर एंड बुद्धा कि इसमें क्या क्या रोल था उनका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर जो भी थे कि बाहरी शक्तियों को रोकने के लिए कोशिश की गई कि हम ऐसे चीजों को साथ में लेके चले जो कि हमें बाहरी जो अटैक्स थे उनको रोका जा सके। नाउ प्री मॉडर्न पीरियड में बृहद रथ से स्टार्ट होती हैं चीजें, और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें ऋग्वेद से और पुराण से भी मगध पीरियड के काफी सारे एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। तो काफी हद तक इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट रहा है मॉडर्न पीरियड में, तो ये काफी ध्यान देने वाली बात है। जो कि सोर्सेज की भी बात करें तो सोर्सेज में भी मैक्सिमम टाइम पे ये सवाल पूछा जाता है। बृहदरथ की जो डायनेस्टी थी उसमें प्रियोदत्त की बात करें और हरनेक डायनेस्टी उसके बाद एस्टेब्लिश होती है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो एक क्रोनोलॉजिकल सेशन चलता है धीरे धीरे, बृहदरथ से स्टार्ट होके हम प्रियोदत्त की बात करें, देन उसके बाद बिंबिसार की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, उदयन की बात करें, देन शिशुनाग की बात करें। तो ये क्रोनोलॉजी जो चलती रहती है इसमें नोटोरियस और सबसे खास बात ये रहती है कि इन सभी राजाओं ने कोशिश की है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा वाला जो सिनेरियो है उसको फेस किया, और कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को इसका जो लाभ है वो पहुंचाया जा सके, चाहे प्रजा के लेवल की बात हो चाहे वो सैनिकों को या स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने की बात हो। क्योंकि जब आप सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत हद तक जरूरी हो जाता है कि आप ऐसी डायनेस्टी ऐसे एम्पायर को स्टेब्लिश करें जो कि वन टाइम में मैक्सिमम लोगों को अपनी पावर्स को कंट्रीब्यूट कर सके और उसको वन टाइम में आप अपने हाथ में स्टैंड बाय भी रख सके। तो ये इसकी खास बात रही। नाउ अब बात करेंगे हरेन डायनेस्टी की, डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस बात करेंगे फैक्ट्स को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज एनटी का जो पर्सपेक्टिव है फैक्ट्स से हटकर अंडरस्टैंडिंग बेस हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, बट कोशिश यही की जाएगी कि अगर आपको नहीं भी पता है तो जो बेसिक पॉइंट्स है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि काफी खास चीजें हैं। नाउ बीइंग द फाउंडर ऑफ हरनेक डायनेस्टी 544 से 492 तक का टाइम पीरियड रहा, और बिंबिसार ने हरनेक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, उसके फाउंडर रहे। और रिमार्केबल किंग और सबसे पावरफुल किंग इनको मगध के टाइम में बोला गया था, प्री मॉडर्न में भी कहे मगध के टाइम में, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि लड़ने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम ग्राउंड लेवल पर उतरकर एक जो मैट्रिमोनियल अलायंसेज हैं उसके ऊपर ध्यान दें और कोशिश करें फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़े। और उस फ्रेंडली रिलेशनशिप में कोशिश की गई कि हम ऐसे मजबूती के साथ अलायंसेस को रखें सामने ताकि कि हम एक के बाद एक जो हमारी टेरिटरीज थी चाहे जन थे चाहे जनपद उनको कैप्चर कर सकें। और कंटेम्प्रेरी की बात करें तो बुद्धा और महावीरा इनके कंटेंट कंटेम्प्रेरी रहे, यानी कि बिंबिसार के वक्त में महावीर और बुद्ध का जो टाइम था दोनों अपने टाइम पे फ्लरिश कर रहे थे, और यही कारण रहा कि बिंबिसार ने महावीर और बुद्धिज्म को दोनों को काफी हद तक फॉलोअर भी माना जाता है बिंबिसार जो थे। और ये हरनेक डायनेस्टी का मैप आप देख सकते हैं, हम श्रावस्ती की बात करें देन कौशाम्बी की बात करें तो बिंबिसार ने कोशिश की, यहाँ पे अवंती है और विदिशा को दिख रहा है, राजगिरी है, पाटलिपुत्र ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट है, चंपा को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था बिंबिसार ने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप देखेंगे जो गंगटिक वाला रीजन है आपका पूरा का पूरा, गंगा का मैदान जो है और जो सेंट्रल पार्ट है आपका, इसको हर तरह से बिंबिसार ने कोशिश की है कैप्चर करने की। और इसको कैप्चर करने का मतलब था कि आपके हाथ में दो पावरफुल जो टेरिटरीज हैं या महाजनपद हैं आपके हाथ में है, जिसमें मगध ऑलरेडी पहले से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और जब अवंती को कैप्चर किया गया उज्जैन जिसकी कैपिटल थी, तो दोनों के जो फ्रेंडली रिलेशनशिप थे क्योंकि मगध और अवंती में शुरुआती दिनों से ही जब जब से जनपद से महाजनपद एस्टेब्लिश होते हैं तो काफी हद तक कॉम्पिटिशन बढ़ता रहता है, बट अवंती और मगध का दोनों में आपस में लड़ने का कारण कभी भी ये नहीं रहा कि वो दोनों दूसरे को पावरफुल दिखाना चाहते थे। और यही कारण रहा कि बाद में अवंती और हम अगर बात करें मगध की तो दोनों ने ये माना कि हमारे पास पावरफुल सोर्सेज हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये काफी हद तक अच्छा होगा कि हम दोनों दो डायरेक्शंस में रहकर कोशिश करें बाकी जो हमारी टेरिटरीज हैं उसको कैप्चर करें और अपनी पावरफुल को यूनिटी के साथ टारगेट करें और उसको एनहांस करें। नाउ जैन टेक्स्ट की बात करें तो जैन टेक्स्ट में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है सैन्य या श्रेणिका के नाम से, तो ये अपने आप में काफी खास बात है कि अगर हम ये भी मान के चलें कि बिंबिसार को अगर श्रेणिका के नाम से भी जाना गया कि जो कि अपने आप एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी तो गलत नहीं होगा, सॉरी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते थे,
तो स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने का अथॉरिटी किसके पास था, हम सभी सभी जानते हैं। तो किंग था उसके पास जो अथॉरिटी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने की। और हम यहाँ पे किंग की बात करें वो है बिंबिसार, ठीक है। तो जब हम बिंबिसार के बारे में बात करें तो किंग है तो स्टैंडिंग आर्मी का होना एक लाजमी सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि बिंबिसार को अगर हम कहें कि श्रेणिका है या श्रेणिका कम्युनिटी से वास्ता रखता है तो ये भी काफी हद तक सही होगा, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो आप देखेंगे कि जैन जो टेक्स्ट है हमारे, चाहे रिलीजियस हैं चाहे अदर टेक्स्ट हैं, उसमें कोशिश की गई है कि जिन जिन राजाओं ने पेट्रोनाइज किया है बुद्धिज्म और जैनिज्म को, तो उन्हें एक अलग अथॉरिटी दी गई है। और यही कारण था कि जैन टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जैनियों ने और बुद्धिस्ट जो हमारी कम्युनिटी थी उस वहां के मैक्सिमम लोगों ने ट्रेड को कैप्चर भी किया और ट्रेड को एक्सटेंड और एक्सपैंड करने की पूरी पूरी कोशिश की। और इसीलिए बिंबिसार को श्रेणिका और सैन्य नाम से भी जाना जाता रहा है। ये काफी खास चीजें हैं जो कि हमें टेक्स्ट जो हमें बेसिकली बताते हैं कि राजा का जो काम सिर्फ प्रजा की देखभाल करना नहीं था बल्कि इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज आर्मी एंड डिफेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी टेरिटरी को एनहांस करने के लिए। तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहे जो कि काफी हद तक हमें इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और अर्लीस्ट जो चीजें थी कि इंडियन किंग्स के बारे में, स्ट्रेस द नीड ऑफ एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें पता ही है। और मशीनरी की बात करें तो देखेंगे कि जब से हरनेक डायनेस्टी स्टार्ट होती है तो एक सेंट्रलाइज्ड पावर स्टार्ट होती है बिंबिसार के हाथ में। और सेंट्रलाइज्ड पावर के साथ साथ कोशिश हमारी यही रहती है कि हम एक ऐसी डायनेस्टी का या फिर रॉयल ऑफिसर्स का एक टीम तैयार करें जो कि राजा को हर एक टाइम पे टाइम टू टाइम गाइड कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रलाइज्ड हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो। और अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो काफी हद तक हम अपनी अपनी स्टेट्स को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और काफी हद तक अपनी स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, चाहे मौर्यन की बात रही चाहे शिशुनाग की बात रही हो, तो गुप्ता पीरियड जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक हम देखेंगे कि एक जो फेस चला है सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज को स्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेब्लिश करने का काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार जो थे वो अनेक्स थे अंग के, और बिंबिसार ने कैप्चर भी किया अंग को। और कारण ये था कि चंपा उसके काफी पास था और चंपा जो था वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड इजिली कर रहा था। तो वहां पे ट्रेडिंग पोर्ट्स होने की वजह से अजातशत्रु ने पहले चंपा को भी कैप्चर किया। तो एक एक रॉयलिटी जो थी दोनों के पास यानी मगध के पास, वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और अवंती के जो खुद के राजा थे चंद प्रोदित महासेन, उन्होंने भी फाइट किया बिंबिसार के साथ, बट अल्टीमेटली दोनों दो दोस्त बन गए क्योंकि उनको पता था कि आपस में लड़ते रहना हमारी यूनिटी के लिए काफी हद तक बेहतर नहीं है। और दो पावरफुल किंगडम्स मिलकर ही एक पावरफुल एम्पायर को बना सकती हैं रादर कि हम आपस में लड़ते रहें। नाउ जीविका, यहाँ तक कि प्रयोदत की देखभाल करने के लिए बिंबिसार ने अपना खुद का जो कोर्ट फिजिशियन था जीविका, उसको उज्जैन भी भेजा ताकि प्रयोदत का जो जॉन्डिस का इश्यू था उसको दूर किया जा सके। तो इस फ्रेंडली रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि हम पर्सनली भी देखे या मैट्रिमोनियल अलायंसेस को देखे जो बिंबिसार ने भी रखा काशी के साथ। तो ये काफी दो तीन तरह की चीजें होती है स्टेट को एक्सपैंड करने के लिए। इट मीन्स कि आप लड़ झगड़ कर या आर्मी के बल पर हर चीज को कैप्चर नहीं कर सकते। जहां पे जरूरत होती है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, चाहे वो फ्रेंडली हो, तो वो कोशिश की जाती है कि दोनों को साथ लेकर चला जाए। एक्सपेंशन की बात करें तो कोशला देवी, चलेना एंड खेमा, ये बिंबिसार की तीन पत्नियां थी। और आप देखेंगे कि तीनों के आने की वजह से कितना ज्यादा एक एक्सपेंशन निकल कर सामने आता है। और कोशला देवी वाज द सिस्टर ऑफ किंग, यस हमें सबको पता है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थी और रूलर ऑफ कोशाला थी जहाँ के किंग थे प्रसेनजीत। तो यहाँ पे दो तीन तरह की चीजें हैं कि प्रसेनजीत जो थे वो अल्टीमेटली महात्मा बुद्ध के भी कंटेम्प्रेरी रहे, जैन के भी कंटेम्प्रेरी रहे। तो ये दो तीन तरह की चीजें हैं। और हाँ, कोसल्ला और चेलेना की अगर हम बात करें, खेमा की बात करें, तो बाद में चलकर इनके जो अलायंसेस थे काफी हद तक स्ट्रांग रहे। और किस तरीके से इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, इम्पेक्ट किया, अगर हम बात करें प्रसेनजीत की बात करें या हम बिंबिसार की बात करें अजातशत्रु की, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टेब्लिश करने में काफी हद तक मदद की। तो इसके दो तीन दिन की खास बातें जिसको हम डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ पे सिंपल सा एक था, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था और बिंबिसार ने कोशला के साथ कोशिश की थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस को स्टेब्लिश करने, यानी वैवाहिक संबंधों को स्टेब्लिश करने की। तो बिंबिसार ने काशी की पहले डिमांड रखी थी प्रसेनजीत से, तो ना देने की वजह से बिंबिसार ने उन्हें ऑप्शन दिया कि इधर आप एक काम करें, या तो काशी को मेरे हवाले कर दें या तो मैं उसे कब्जा कर लूंगा। तो इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बिंबिसार को प्रसेनजीत की जो बहन थी उसे शादी करनी पड़ी और काशी को दहेज में दे दिया गया बिंबिसार को। बाद में अजातशत्रु ने फोर्सफुली बिंबिसार की हत्या कर दी। उसके दुख में बिंबिसार और उसकी पत्नी दोनों मर जाते हैं।
और प्रसेंजीत काफी हद तक नाराज हो जाता है। तो बिंबिस प्रसेंजीत ने अजातशत्रु से वापस काशी छीन लिया। बट क्योंकि काशी हमेशा से ही एक सिटी के रूप में डेवलप हुआ, जहाँ पे हॉर्स का ट्रेड था या फिर कॉटन टेक्सटाइल थी, काफी हद तक एस्टेब्लिश भी रही। तो उस एस्टेब्लिशमेंट को बनाए रखने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए अजातशत्रु ने कोशिश की फिर से बिंबिसार से सॉरी प्रसेंजीत से लड़ाई करने की। और लड़ने के बाद काशी को जबरदस्ती अपने राज्यों में मिला लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा आपको कि खेमा और जो मादरा थी वहां पे भी कोशिश की गई कि बिंबिसार के रिलेशनशिप खेमा से अच्छे रहे, जो कि मादरा की राजा की बेटी थी। और मादरा ने हमेशा जो कि टेरिटरी थी, मैं मैप में भी दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा गंगा वाला रीजन था, ये हमारा सेंट्रल इंडिया है, और यहाँ पे मादरा जो हमारा पंजाब वाला एरिया है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है। तो मादरा ने हमेशा से जिसके अच्छे रिलेशनशिप थे बिंबिसार के साथ, तो आप देखेंगे कि ये आपका मगध है, और मादरा ने मगध के साथ मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया, ताकि कि दोनों एक बैकफुट पर रह कर एक दूसरे की सहायता कर सके, चाहे वो हम बाहर से अटैक्स की बात हो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, तो कोशिश की गई कि उनको रोका जा सके। और अगर हम मगध की बात करें, तो यहाँ पे मादरा की बात करें, तो मादरा ने हमेशा से अच्छी कोशिश की है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी अटैक को रोकने के लिए। और अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करें, जो हम गंगा दुआब वाला एरिया है हमारा, दिल्ली दुआब का एरिया, वहां से भी मादरा ने कोशिश की है कि बीच में रहकर दोनों तरफ से अटैक्स को रोका जा सके, और मगध को एक सेफर साइड जो जोन है उसको देकर, कंफर्ट जोन देकर उसको और एस्टेब्लिश किया जा सके। तो मादरा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि मगध ने अपने आप को सेंट्रलाइज किया और मादरा को अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा बीच में रखा, ताकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग और बीच में जो गंगा दुआब के एरियाज हैं वो मौर्यन के ऊपर मगध के ऊपर हमला ना कर सके। और मादरा हमेशा से एक स्ट्रांग ओपिनियन रहा है मगध का, और यही कारण रहा कि बिंबिसार ने मगध के जो राजा थे उनकी बेटी से शादी भी की। तो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमेशा से ही एम्परर्स ने, किंग्स ने अपने माइंडसेट का यूज किया, ताकि कि कम टाइम पे हम मैक्सिमम एक्सपेंशन दे सके। ना अजातशत्रु की बात करें, जो कि बिंबिसार का खुद का बेटा था, तो अजातशत्रु लिच्छवी प्रिंसेस का सन था, सभी को पता है। और बिंबिसार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो आप देख सकते हैं। ना ये वही है सिनेरियो है जिसके बारे में डिस्कस किया था कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। बिंबिसार ने पहले ऑलरेडी कोसला यानी प्रसेंजित जो राजा थे उनकी बेटी से शादी की थी, और काशी को दहेज में दिया था बिंबिसार को। बाद में अजातशत्रु ने फोर्सफुली बिंबिसार को मार दिया और उनकी जो पत्नी थी वो दुख में मर गई। लेटर ऑन काशी बसता है उनके पास, तो अजातशत्रु ने काशी को जबरदस्ती मगध में मिला लिया, और काशी हमेशा से ही ट्रेडिंग ओपिनियन से काफी हद तक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, और वहां से कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेड होता था। तो अजातशत्रु ने जब काशी को कैप्चर किया, तो उसका जो इकोनॉमी वाला एक क्राइटेरिया तो काफी हद तक एक्सपेंडेड नजर आता है। नाउ महा जो शील कंटक था, इस तरह के हथियारों का यूज किया जाता था, ठीक है, और चैरिट था जो नाइव्स का था, अब ये भी हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आयरन की अवेलेबिलिटी की वजह से अजातशत्रु ने इकोनॉमी को न सिर्फ बढ़ाने के लिए उसका यूज किया, बल्कि स्टैंडिंग आर्मी में थोड़ा बहुत इनपुट डालने के लिए भी और हथियारों को बढ़ाने के लिए भी इस तरह के चीजों का यूज किया गया, जो कि उनके स्टैंडिंग आर्मी की क्वालिटी को और प्रजा को कम से कम पर्सनल वे पे ऑथराइज कर सके कि वो काफी सुखी हैं। और स्टैंडिंग आर्मी होने की वजह से और लोहे का प्रयोग, वेपन्स बढ़ने की वजह से अजातशत्रु ने खुद को पावरफुल भी फील किया, और यही कारण रहा कि बाद में कोशला से और उसके बाद अंग से, अवंती से भी अजातशत्रु ने कोशिश की कि मैं एक बेहतर लड़ाई ले पाऊं किसकी बदौलत, ताकि वेपनरी उनके हाथ में काफी हद तक ज्यादा थी। बाद में उसने राजगृह को भी फोर्टिफाइड किया, और जो 18 महाविहार थे वो भी उन्होंने रिपेयर करवाए। और बुद्धिज्म जो था, अगेन न सिर्फ बिंबिसार के टाइम पे उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को भी पैटर्नाइज किया, बल्कि बिंबिसार के खुद के बेटे अजातशत्रु ने यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो उसको काफी हद तक अडॉप्ट किया और उसको देखा भी, ठीक है, यानी पैटर्नाइज किया और कोशिश की कि बुद्धिज्म को एक अलग लेवल पे पहुंचाया जा सके। क्योंकि बुद्धिज्म अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिलीजन इसलिए बन गया था क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि मैक्सिमम जो लोग हैं बुद्धिज्म अडॉप्ट करें, और जब हायर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर रिलीजन के पास, हेलो सुनीता, हेलो फिरदौसी, वेरी गुड मॉर्निंग। और जब तक एक बेहतर अलायंसेस को डेवलप करने के लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट था, और मैंने पहले भी बताया कि रिलीजन जहाँ पे आपके पास है
और रिलीजन को मेंटेन करने के लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट होता है आपकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, क्योंकि राजा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा हमारे पास जितना ज्यादा उसके हक में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उस पॉपुलेशन से राजा दो तीन तरह के काम कर रहा है। एक तो माइनिंग को वो एक्सकवेट करा रहा है, ठीक है, खुदाइयों से निकलवा रहा है, और दूसरा उसका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो पॉपुलेशन से ही सॉल्व हो रहा है, राइट। तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हर तरह की राजा ने कोशिश की है कि राजा ने हमेशा कोशिश की है कि उसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हो वो उस तरह के रिलीजन को फॉलो करे जो कि प्रोमिनेंट है उस टाइम में, और यही कारण रहा कि टाइम टू टाइम बिंबिसार ने बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों को अडॉप्ट किया, और अजातशत्रु ने कोशिश की कि मैं उस तरह के एक रिलीजन को अडॉप्ट करूँ जो कि काफी हद तक पॉपुलेटेड पॉपुलेशन की तरह मॉडिफाइड थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे ये बताना है कि महात्मा बुद्ध बुद्ध और महावीर के कंटेम्परेरी कौन कौन से किंग रहे हैं, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिरदौस से पूछ रही हूँ मैं, सुनीता इज हियर ऑल्सो, एंड सुल्तान से भी पूछ रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि बुद्धिज्म और महात्मा बुद्ध और महावीर के कंटेम्परेरी इसमें से कौन कौन से टेरिटरीज के राजा रहे, या टेरिटरीज के नाम भी आप बता सकते हैं या फिर किंग के नाम भी आप बता सकते हैं, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे एक सोर्स से जो सवाल खड़ा हो रहा है जो कि फैक्ट के ऊपर आता है बेसिकली, कि स्टोरी ऑफ अजातशत्रु क्या था, कन्वर्जन की अगर बात करें तो बुद्ध ने मेंशन किया भरहुत स्कल्पचर में, यानी कि भरहुत स्कल्पचर है जो महात्मा बुद्ध वाला, उस जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर है। ओनली थ्री पीपल आर वॉचिंग, यस सुनीता, बिकॉज माई क्लास इज समहाउ लेट, तो इसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया काफी स्टूडेंट्स के पास, दैट्स वाई ओनली सम पीपल्स आर देयर, बट रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी तो मैक्सिमम पीपल बाद में देख पाएंगे, फाइन। तो ये काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है, और कन्वर्सेशन की बात करें तो सोर्सेज में जो चीजें हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। बरहुत स्कल्पचर जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध का जो कन्वर्सेशन है बातचीत के बारे में डिस्कस किया गया है, तो एनटीएस के ऊपर अच्छा खासा सवाल बना सकता है। नाउ उदयन की बात करें, उदयन जो कि बनते हैं अजातशत्रु के बाद, और उदयन की सबसे खास बात रही कि बुद्धिस्ट जो राइटर्स थे उनके बारे में लिखा भी गया है उदयन के बारे में। ओके सुनीता, डजेंट मैटर, फिर दोस्त एनी आइडिया, एंड सुल्तान, दो अजातशत्रु ने बिल्ट किया फोर्थ था पाटलिपुत्र, यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं कि किस तरह का जो पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम की बात करें तो उसका जो इनिशिएटिव था उदयन ने लिया था, ये हम सबको पता है, बाद में वो पाटलिपुत्र में जाके कन्वर्ट होता है जब हम बात करते हैं मौर्यन पीरियड में स्टार्ट करते हैं, तब उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, फाइन। सुनीता इज इट योर फर्स्ट लेक्चर, अगर आप पहले प्रेजेंट नहीं थी तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाकी क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया होगा। ना उदयन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रिसाइड्स हैं, यानी कि उनके बारे में काफी हद तक जानने को मिलता है, और अपॉइंटेड जो किंग थे बाद में शिशुनाग बनते हैं उदयन को मारने के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो सिनेरियो था हमेशा चलता आ रहा है कि हमने कोशिश की है उन लोगों को सामने लेके आने की जिन्होंने हमेशा अपने राजा या प्रजा को कोशिश की है गलत तरीके से इस्तेमाल करने की, और यही कारण रहा कि बिंबिसार या अजातशत्रु की बात करें तो बहुत हद तक इन लोगों ने अपने जो टेरिटरी थे उसको सेंट्रलाइज किया और उसको काफी हद तक आगे भी बढ़ाया। शिशुनाग जो थे वो 1413 से लेके ऑलमोस्ट 394 BC तक अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करते, और वाराणसी जो था उसको कोशिश की शिशुनाग ने भी एस्टेब्लिश करने की। वाराणसी की बात इसलिए यहाँ पे हो रही है क्योंकि वाराणसी जो काशी भी रहा बाद में, और काशी जो हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टेरिटोरियल रीजन रहा, चाहे हम जनपद की बात करें हमारे जनपद के टाइम की भी बात करें, तो दोनों में एक इम्पोर्टेंट खास बात ये थी कि काशी को जीतने के लिए और अवंती को जीतने के लिए और अंग को जीतने के लिए हमेशा से हर एक एम्परर ने हर एक राजा ने कोशिश की है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि काशी हमेशा से एक सेंट्रल सिटी का काम किया है उसने, चाहे ट्रेड की बात करें, और बीच में रहने की वजह से और नदी के किनारे जो थे उसके रूट्स होने की वजह से वहां से ट्रेड इजिली हो सकता था। तो हम बिंबिसार को देखें जो उन्होंने काशी पहले अपने दहेज में भी लिया, बाद में अजातशत्रु ने भी कोशिश की काशी को जीतने की और उसने जीता भी, और शिशुनाग जो बाद में आते हैं उन्होंने भी वाराणसी को काफी हद तक
मगध का एक इम्पोर्टेंट फेज भी माना, क्योंकि काशी और वाराणसी अपने आप में एक ऐसी सिटीज थी जो कि ट्रेड को, रिलीजन को और अलग अलग कम्युनिटीज को काफी हद तक बढ़ावा दे रही थी। ये शिशुनाग डायनेस्टी का है, नंद डायनेस्टी को आप देख सकते हैं कि अगर हमने बिंबिसार का मैप देखा हो तो अवंत जो उनका एक्सटेंशन था वो महज यही वाले जो कुछ एरियाज थे वहीं तक थे, ये था बिंबिसार वाला, ठीक है। बट जब हम शिशुनाग तक बढ़ते हैं तो आपने देखा कि शिशुनाग और नंद डायनेस्टी मैक्सिमम ऑलमोस्ट आपका जो दिल्ली दुआब वाला एरिया है, या फिर हम अगर इसकी बात करें आपके गंगटिक रीजन की बात करें, और ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी कि एक्सपेंशन जो है काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। और एक्सपेंशन जब इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी और ट्रेड ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं जो कि हमारे किसी भी कंट्री को, रीजन को डेवलप करने की बेहतर कोशिश करते हैं। और हम चाहे बृहदरथ की बात करें, चाहे हम बाद में प्रद्योत की बात करें, बिंबिसार की बात करें, जटाशत्रु की बात करें, तो इन लोगों ने हमेशा कोशिश की है टेरिटरीज को एक्सपैंड करने की, वाइल्ड कैप्चरिंग और वाइल्ड फाइटिंग, यानी लड़कर या फिर हम कोशिश करें उसको जबरदस्ती कैप्चर करने की। और यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि बाद में उन्होंने वैशाली की तरफ शिफ्ट कर दिया था अपना कैपिटल, और प्रद्योत जो था ऑलरेडी उसको खत्म कर दिया गया शिशुनाग के द्वारा, क्योंकि अवंती में काफी हद तक इंपॉर्टेंट ये रीजन रहा था, और उसको खत्म करने, प्रद्योत को मारने के बाद अवंती को काफी हद तक कैप्चर कर लिया था शिशुनाग ने। नहीं, कालाशोक और काका वर्मन की अगर बात करो, 394 से 345 तक इनका टाइम पीरियड है, और शिशुनाग को सक्सीडेड बाय कालाशोक और मगध टू पाटलिपुत्र में इन कैपिटल शिफ्ट के दोबारा से, यानी कि शिशुनाग ने वैशाली से की थी शिफ्ट और बाद में कालाशोक ने वापस से मगध से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर लिया था कैपिटल। तो यहाँ पे दो शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, एक राजगृह का, एक पाटलिपुत्र का, और मौर्य पीरियड आते आते पाटलिपुत्र को हमेशा के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन बना दिया गया था, बट रादर उससे पहले हमेशा से राजगृह और पाटलिपुत्र हर एक एम्परर के बीच में कॉन्ट्रोडिक्टरी पार्ट रहा, क्योंकि राजगृह और पाटलिपुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि दोनों के पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफी हद तक इंपॉर्टेंट थी, और राजगृह जो कि साउथ वाला पार्ट में बसा था मगध में, वहां से आयरन का डिपॉजिट इजिली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता था, और जो ईस्ट वाला पार्ट है गैंगटिक रीजन आपका, गैंगटिक रीजन वाला या बे ऑफ बंगाल से अगर बात करें, तो वहां से दोनों का जो ट्रेडिंग वाला पार्ट था काफी हद तक इंपॉर्टेंटली, ताम्रलिप्ति बंदरगाह की बात करें तो वहां से ट्रेड काफी हद तक इजी रूप में अवेलेबल हो रहा था, ठीक है। और काउंसिल जो थे इनके उस वक्त सभा कामी ने हेल्ड किया था, और जो बुद्धिस्ट सेकंड काउंसिल थी आपकी वो हेल्ड हुआ था आपका वैशाली में 383 BC में, तो इसके ऊपर एंटी सवाल बना सकता है मैच मैच द फॉलोइंग में, तो इसको फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग बुद्धिस्ट काउंसलिंग के अध्यक्ष कौन थे और कहाँ पे वो अरेंज हुई थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। रूलर अगर नंदी वर्मन जो थे सन ऑफ काला शोक के बाद में शिशुनाग डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर बनते हैं, खैर इसके ऊपर एंटी सवाल नहीं बनाता है, सवाल एक सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग के ऊपर सवाल बनता है शिशुनाग वाले ओपिनियन से। नंद डायनेस्टी यानी कि अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उससे पहले नंद डायनेस्टी हमारी एस्टेब्लिश होती है, और नंद डायनेस्टी एस्टेब्लिश होने की वजह से कोशिश की जाती है, और इसी ने एक ग्राउंड लेवल तैयार किया था मौर्य डायनेस्टी को आगे बढ़ने के लिए और उसको और एस्टेब्लिश होने के लिए। तो नंदों की अगर बात करें तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी 345 BC में आती है, और फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी थे हमारे महापद्म नंद नंद, और एकरात के नाम से उन्हें जाना जाता था, यानी कि सम्राट की अगर चक्रवर्ती सम्राट की बात करें, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा इंडिया का सेंट्रल एशिया की बात, सेंट्रल एशिया नहीं, गैंगटिक रीजन की बात करें या फिर हम बात करें गंगा दुआब वाले एरिया की या और साउथ वाला जो पार्ट है, तो नंद डायनेस्टी ने मैक्सिमम उसको कैप्चर कर लिया था, और मैप आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये दिल्ली दुआब वाला आपका एरिया नहीं, गंगा दुआब का एरिया है, ये गैंगटिक वाला रीजन है, सेंट्रल इंडिया आपको दिख रहा है, ये अवंती वाला पार्ट है, और एक्सटेंशन बढ़ रहा था साउथ की तरफ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब तक मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश होता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे स्टार्टिंग में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सिर्फ साउथ वाला पार्ट देखे या फिर हम सॉरी नॉर्थ वेस्ट का पार्ट देखे, तो काफी हद तक उसको कैप्चर भी किया और अपने राज्य में भी मिलाया, ठीक है। ये जो नंद एम्पायर आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो एस्टेब्लिशमेंट था ऑलमोस्ट अवंती वाला पार्ट देखें या फिर हम सेंट्रल इंडिया का पार्ट देखें, तो काफी हद तक नंद डायनेस्टी ने ऑलरेडी मैक्सिमम एरियाज को कैप्चर कर लिया था, जहां से मैक्सिमाइज्ड वे में एग्रीकल्चर, ट्रेड और आयरन का डिपॉजिट काफी हद तक अवेलेबल हो पा रहे थे, ठीक है। नाउ ही डिफीटेड मेनी अदर किंगडम्स ऑफ द पीरियड, जैसे कि हमें पता है कि पंचाला की बात करें, कैसेस की बात करें, कलिंग्स की बात करें, तो नंदों ने उनको हराया भी, और पुराण ये रिप्रेजेंट करते कि महापदम जो नंद थे वो लास्ट किंग थे शिशुनाग डायनेस्टी के, जो शूद्रा वंश से वास्ता रखते थे, तो
यानी कि महामदम नंद के बारे में ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियन है कि वो किस कास्ट से वास्ता रखते थे, बट पुराणों को देख के समझ में आता है कि वो शूद्र डायनेस्टी से वास्ता रखते थे। और यहाँ पे पहली बार आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई ऐसा पहला राजा बनता है शिशुनाग डायनेस्टी के बाद से जो कि क्षत्रिय नहीं था, ये नॉन आर्यन थे। और नॉन आर्यन कौन थे? गणसंघ से वास्ता रखते थे। तो ये इसकी खास बात है कि पहला ऐसा राजा बना महापद्मनंद जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय क्लैन से वास्ता नहीं रखता था। ठीक है, नाउ फर्स्ट जो नॉन क्षत्रिय रूलिंग डायनेस्टी थी, ये आप देखिए नॉन रूलिंग थी, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब और बंगाल की बात करें तो नंदों ने इसको काफी हद तक एक्सटेंड भी किया, और यही कारण रहा कि नंद डायनेस्टी खत्म होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पूरे पूरे इंडिया को कैप्चर करने के लिए। और ये आपका विंध्यवाला रेंज आपको दिखाई दे रहा है जो साउथ वाले पार्ट में, जहां पर हिली एरियाज थे, ना सिर्फ बाहर के अटैकर्स को रोका जा सकता था बल्कि ट्रेडिंग ओपिनियन से विंध्य रेंज काफी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जाती रही है महापद्मनंद के टाइम में। नाउ वेरियस जो सोर्सेज हैं अगर उसकी बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको ये देख सकते हैं। और फैक्ट के ऊपर इससे सवाल बन सकता है कि महापद्मनंद की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। नाउ नंद जो किंग है बिल्ट अपॉन फाउंडेशन ऑफ लेड डाउन बाय देयर प्रेसिडेंसेस, तो हरनेक के बाद शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी ने काफी हद तक एस्टेब्लिश किया। अगर हम बिंबिसार की बात बृहदत्त की बात करें सॉरी, देन हरनेक डायनेस्टी आती है, बिंबिसार है, अजातशत्रु की बात करें, उदयन की बात करें, शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें, लेटर ऑन महाजनपद जो पीरियड थे, सॉरी महानंद जो हमारा राजा बने उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हमें यहाँ से गेन होने के लिए मिलती है कि जो एम्परर का फाउंडेशन था एक फाइन ट्रैक वे में चलता है, और सभी के सभी एम्परर्स का बस एक ही ओपिनियन था कि इकोनॉमी को और ट्रेड को और डिफेंस को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जा सके। और यही कारण रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम में जितना भी इंडिया का नॉर्थ वेस्ट की फ्रंटियर की बात करें, चाहे हम अशोकन के रॉक कंडक्ट्स की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां से लेके शहबाजगढ़ी का जो एरिया है पूरा का पूरा नॉर्थ शहबाजगढ़ी, वहां से मैक्सिमम टाइम पे हमें अशोकन के एडिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक क्लू हमें देते हैं, एक हमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि अशोका और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और उससे भी पहले बृहदत्त, हरिंग डायनेस्टी, या फिर उसकी बात करें बिंबिसार की बात करें, तो देखेंगे कि आपने कम टाइम में अपने माइंडसेट को अप्लाई करके मल्टीपल अलायंसेस से, इकोनॉमी से, ट्रेड से, स्टैंडिंग आर्मी का पावर अप्लाई करके हमने एक अच्छा खासा जो एक ट्रेंड उसको स्टार्ट किया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि गुप्ता पीरियड स्टार्ट नहीं हो गया और अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइज पोजिशन में नहीं चला गया। तो सेंट्रलाइज पोजिशन जहां पे भी रही है आप देखेंगे कि किसी भी फॉर्म को इतिहास को उठा के, चाहे मुगल की बात करें, चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो कोशिश की कि जहां पे सेंट्रलाइज्ड एरियाज हैं वहां पर एटलीस्ट राजा का बेटा राजा ही बनेगा वाला जो सिनेरियो था उसको अप्लाई किया गया। और यही कारण रहा कि राजा ने अब पावर अपने हाथ में रखी और हर तरह से जो कोशिश थी इकोनॉमी को, ट्रेड को, डिफेंस को एक्सपैंड करने की, उसकी उसको और भी एक्सपैंड करने की कोशिश की गई। नाउ फर्स्ट ग्रेट एम्पायर माना जाता है महापद्मनंद को क्योंकि वास्ट आर्मी थी, एटलीस्ट 2 लाख तो उनके पास सिर्फ इन्फेंट्री थी और कैवलरी की बात करें, या फिर यही कारण रहा कि अलेक्जेंडर ने काफी हद तक ये दिखाया भी और वो डरे भी कि इतनी बड़ी जो सेना हमारे पास है उसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। और उसको मेंटेन कौन कर रहा था? जो ग्रीक हिस्टोरियन है प्लूटार्क की बात करें तो उन्होंने नंद के आर्मी के बारे में काफी हद तक इन्फॉर्मेशन दी है, तो फैक्ट के ऊपर ये सवाल बन सकता है आपका। और हैवी टैक्सेशन की बात करें तो जो आर्मी थी हैवी टैक्सेशन की वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है महापद्मनंद की, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी, ट्रेड और डिफेंस तीनों काफी हाई लेवल पे अवेलेबल थे और आर्मी को मेंटेन करने में काफी हद तक मदद भी मिली। ठीक है, नाउ नंद की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट इंडिया जो आपका पार्ट है हमने पहले भी मैप में देखा, और आखिरी जो उनके एम्परर है धनानंद, और धनानंद से और चंद्रगुप्त मौर्य का जो डिस्कशन था वो हमसे छुपा नहीं है, जो जो कि धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंसल्ट करके अपने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी चाणक्य ने, चाणक्य या कौटिल्य भी कह सकते हैं, दो नाम है इनके, धनानंद के साथ जो कन्वर्सेशन रही काफी इंसल्टिंग रही, और बाद में धनानंद ने चाणक्य को अपने कोर्ट से बाहर, दरबार से बाहर निकाल दिया। और इन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं नंद डायनेस्टी को खत्म नहीं कर लेता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। और अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से और चाणक्य ने एक दूसरे की हेल्प करके नंद डायनेस्टी को हमेशा के लिए खत्म किया और मौर्य जो हमारा एम्पायर था उसको एस्टेब्लिश करने में काफी हद तक मदद मिली। यही कारण रहा कि ट्रेड जो था अक्रॉस द एम्पायर चला, यानी कि काफी हद तक वो लिमिटेड नहीं रहा, पूरी एक 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 टाइम फेज काफी लंबा चला। और उस टाइम फेज में हमने देखा कि मैक्सिमम जो एम्परर्स थे उन्होंने कोशिश की चीजों को एस्टेब्लिश करने की, स्ट्रांग बनाने की, और आर्मी ने और मिनिस्टर्स ने, सेंट्रलाइज्ड पोजिशंस ने, फाइनेंशियल एक्सटोशंस ने काफी हद तक उसकी मदद भी की।
राजाओं को, अपने अपनी आर्मी को, इकोनॉमी को, ट्रेड को मेंटेन करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फाउंडर बने मौर्यन एम्पायर के, हम सभी जानते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो ये इफेक्ट के ऊपर चीजें पूछी जा सकती हैं। बेसिकली इनके कैपिटल्स की बात करें कि मगध और अवंती का क्या इंपॉर्टेंस, तो वहां से सवाल बन सकते हैं। नाउ मौर्यन एम्पायर के बारे में, और इसके पहले एक ब्रीफ डिस्कशन मैं करूंगी अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में, तो वो डिस्कशन हम करते हैं 4 बजे, और जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज काफ़ी कम स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नोटिफिकेशन एंड मे बी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया टाइम से आप लोगों के पास, तो मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगी। और अब क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या बनते हैं एनटीए के हिसाब से वो मैं देख लेती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसका मिल जाएगा। स्पेशल क्लास हमारी कल है, जहाँ पे PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ एनटीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3-4 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बिंबिसार के बारे में, और अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म के कंटेम्प्रेरी किंग्स कौन थे, या फिर टेरिटरीज या महाजनपद कौन सी थी, ये सवाल बनता है। मगध का क्या रोल रहा अवंती के साथ, और मगध ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से क्यों इंपॉर्टेंट था और अवंती क्यों इंपॉर्टेंट था। तो ये 2 सवाल इंपॉर्टेंटली बनते हैं, 2-3-4, स्पेशली प्री मॉडर्न पीरियड से। जो इन्वेजन की बात करेंगे वो 4 बजे वाली क्लास में, तो डिस्कस करेंगे कि इन्वेजन जो है हमारा क्यों इंपॉर्टेंट था और किस लिए हुआ, ठीक है। और इन्वेजन की वजह से कितनी ज्यादा चीजें एक्सटेंडेड होकर आगे निकल कर आती हैं, और जिसने मौका दिया चंद्रगुप्त मौर्य को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से स्टेब्लिश होने का, चाहे अलेक्जेंडर की बात हो, चाहे चंद्रगुप्त की बात हो, और चाणक्य ने, इन तीनों लोगों ने मिलकर मौर्यन पीरियड में काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एक महान सम्राट बने, और वहीं से शुरुआत होती है अशोका की, जिसके डिस्कशन हम करेंगे मॉडर्न वाले पीरियड में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जो भी मेरे साथ सुनीता जुड़ी थी, देन मेरे साथ फिरदौसी जुड़े थे और सुल्तान जुड़े थे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और कल मिलते हैं, और 4 बजे की क्लास में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जो भी होगा उसको आप देखें। और ओरिजिन ऑफ मॉडर्न के बारे में बात करेंगे, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट का क्या ट्रेडिशन रहा, और कैसे रिलीजन को यूज करते हुए एम्परर्स ने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। चंद्रगुप्त की बात करें, या फिर हम चंद्रगुप्त प्लस कौटिल्य की बात करें, कि अपने जो पॉलिटिकल एक लाइमलाइट था, यानी कि अपने पथ प्रदर्शन की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने, दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े एक्सटेंशन को, बहुत बड़े पावरफुल एम्पायर को स्टेब्लिश किया। ये मैप आप देख सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन्विजन वाले पीरियड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मॉडर्न पीरियड से दरअसल हमारा एंशियंट का एक स्ट्रांग राजा भी हमें मिलता है, चाहे उसकी धम्मा की पॉलिसी की बात करें, बुद्धिज्म देखेंगे कहाँ कहाँ तक फैला है। तो डिटेल डिस्कशन करते हुए कल्चर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर आगे बढ़ेंगे, और एक डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और एनटी का अप्रोच क्या सवाल बनाने का हो सकता है, जैसे कि हमने महाजनपद वाले पीरियड में किया था। तो स्पेशल क्लास कल हमारी ऐप पे होगी, तो उसको आप ज्वाइन करना ना भूलें। प्लस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप देख सकते हैं, इसको जरूर ज्वाइन करें। PDF आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, जो अब तक क्लासेस हो चुकी हैं, लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और साथ में 10% का डिस्काउंट है, SR10 का कोड अप्लाई करें, उसको आप जी देखें कि आपकी तैयारी कितनी बूस्ट हो रही है और कहाँ तक आप खुद को परफॉर्म कर पा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यन अकेडमी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप बेहतर एजुकेशन देते हैं अपनी बेहतर क्वालिटी कंटेंट के साथ। यन अकेडमी का हमेशा इनिशिएटिव रहा है। तो कल मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सोनिया सिंह UGC NET _ रन अकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये डिस्काउंट कोड है। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो भी हमारे इन्विजन वाला सिनेरियो बचेगा, ग्रीक इन्विजन्स का इंडिया के साथ, वो हम डिस्कशन आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोशिश करें अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। और एनटी के नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं कब आ जाए वो, तो उसको और भी ज़्यादा बोल्ड और मजबूत बनाने के लिए 50 डेज 50 कोर्सेज को आप 50 डेज 50 टॉपिक को ज्वाइन करें, और अपने